हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस, चलती रहेगी जिंदगी में। आज हम बात डेंगू मलेरिया वायरल फीवर की करेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इससे लोग मुतासिर होते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि MP में भी इसका कहर देखने को मिल रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो फिरोजाबाद इस वक्त मरकज बना हुआ है। वहाँ पर जो अमवात की तादाद है वो बढ़ रही है। अब तक तकरीबन अगर पीर की बात करें यानी कल तक की तादाद 151 तक पहुंच चुकी है, यानी मॉर्टेलिटी रेट की हम बात कर रहे हैं। वहीं आगरा और इसके अलावा कानपुर, बहराइच, ये तमाम इलाके हैं जहां पर वायरल फीवर इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमें ये भी नहीं भूलना है, क्योंकि हम लोग कोरोना के दौर में इस वक्त चल रहे हैं, तो कोरोना वबा के दरमियान ये तमाम बीमारियां चैलेंजेस बनती हुई इंतजामिया के सामने, सरकार के सामने और आवाम के लिए बनकर उभर रही हैं। ऐसे में किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, इसे हम समझने के लिए ख़ास मेहमान को मदु करते हैं। आज हमने एक ख़ास एक्सपर्ट को मदु किया है, ताकि आप उनसे समझ सकें कि इन तमाम चीज़ों से कैसे बचा जा सके, अपने बच्चों को कैसे महफूज किया जा सके, और साथ ही साथ अगर उनमें कोई अलामत पाई जाती हैं तो कैसे अस्पताल का रुख करें और किस वक्त पर उन्हें अस्पताल का रुख करना चाहिए। इस बीच हम ये जानते हैं कि मुख्तलिफ शख्सियात ऐसी होती हैं जो कुछ ना कुछ बीड़ा उठा कर रखती हैं, और वो ऐसा बीड़ा उठाती हैं जिसे दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत होती है, और वो दुनिया के सामने पहले ही आ चुके होते हैं, कई सारे अवार्ड्स भी उन्हें मिल चुके होते हैं। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ ख़ास शख्सियत जिन्हें चैम्पियन ऑफ द अर्थ कहा जाता है, UN चैम्पियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। ये अवार्ड उन्हें क्यों मिला, ये हम उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। जी हाँ, उनका नाम है एडवोकेट अफरोज शाह। अब से कुछ देर बाद आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, अपने पैनलिस्ट से आपको रूबरू करा दें। एडवोकेट अफरोज शाह साहब जो कि UN चैंपियन ऑफ द अर्थ है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका वेलकम करते हैं अपने खास शो चलती रहेगी जिंदगी में वक्त देने के लिए। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी साहिबा जो कि सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। आपका भी वेलकम करते हैं अपने खास शो में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँ एडवोकेट अफरोज शाह साहब, चूंकि आपके नाम के आगे एडवोकेट लगा है तो जाहिर सी बात है समझ में आ जाता है कि आप एक वकील हैं। और साथ ही साथ हमारा सवाल ये है, चूंकि इस वक्त जो व्यूवर्स हैं वो देख पा रहे हैं जो हमने टैगलाइन दिया है कि समंदर के साथ दोस्ती का सफर, आखिर आपका कैसा रहा। यहाँ पे व्यूवर्स को जानकारी के लिए मैं बता दूं नाज़रीन को कि एडवोकेट अफरोज शाह को UN चैंपियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। वो इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने माहौलियात के तहफ्फुज़ के हवाले से एक बीड़ा उठाया, वो बीड़ा ऐसा बीड़ा जो ज़िंदगी की भाग दौड़ में लोग नहीं उठाते हैं, लेकिन इन्होंने उठाया। लिहाजा इनके काम की, इनके कारकर्दगी की सताइश की जा रही है और इन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया है। तो सबसे पहले ये जानना अफरोज साहब ज़रूरी हो जाता है कि आखिर क्या वो चीज़ है जो आपको इस बात पर बजिद कर पाई कि आप माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए काम करेंगे। साथ ही मेरा सवाल ये कि समंदर के साथ दोस्ती का ये सफ़र कब से आपका शुरू हुआ। सना जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। जब कोई बच्चा समंदर के किनारे पैदा होता है, मेरा जन्म नहीं हुआ, तो एक खास लगाव हो जाता है समंदर से, और जब समंदर से लगाव होने के बाद वो लगाव जो है बिगड़ता हुआ दिखता है तो और खौफनाक हालात सामने आते हैं। मेरे सामने, मैंने जब छोटा था समंदर को साफ देखा, क्लीन देखा। मैंग्रोव यहाँ प्लांटेशन होते हैं, बहुत ही इकोनॉमिक फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है, सब ठीक था। और फिर जब बड़े हुए देखे तो पूरा प्लास्टिक 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 समंदर में, रिवर्स में, लेक में, तो वो कहीं ऐसे लगता था कि रिश्ते टूट गए हैं समंदर से। अच्छा। और ये रिश्ते जोड़ने की तरकीब जो है हमारे फ्रीडम फाइटर से ही मिलती है। जब रिश्ते टूटते हैं आपस में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह हम लोगों को 250-200 साल रूल किया, 300 साल प्यार के निस्बत से सब जुड़े हैं। मैं खुद जुड़ा और कई हजारों लाखों लोगों को जोड़ा। छोटे छोटे बच्चे 6-8 साल के, वो आते हैं और वो पूछते हैं कि मैं भी समंदर के लिए कुछ करूंगा। तो ये जब प्रॉब्लम सामने आता है, बहुत बड़ा दिखता है, तो इंसान का जो जज्बा है अंदर ही, वो जज्बा अगर उठता है, और खासकर जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर को उठा, तो बड़े बड़े प्रॉब्लम बहुत छोटे लगने लगते हैं। और जब प्यार उसमें घोल हो जाए, मिक्स हो जाए, तो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत खूबसूरत सफर होता है। और वही मेरे साथ हुआ और मेरे हजार वॉलंटियर्स के साथ हुआ, आज तक चल रहा है।
उम्मीद है कि हमारे दम तक ये करते रहेंगे कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें। आप ये बताइएगा अफरोज शाह साहब कि कब से आपने इसकी शुरुआत की, नदी नालों तालाब की सफाई की, और इस मुहिम में आप शुरुआती वक्त पर कहाँ खड़े हुए थे, क्या लोग उस वक्त आपके साथ आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, बहुत वक्फा लगा आपको लोगों को अपने साथ लाने में। 6 साल हो गए, अक्टूबर 2015 में मैंने शुरू किया था, आज भी वो दिन यहाँ पे 2 अक्टूबर 2015, और मैं अकेला गया था समुंदर पे साफ सफाई करने, मैं और एक मेरे साथ एक 80 साल के मिस्टर माथुर करके हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, वो गए थे। और आस्ते आस्ते कारवां बढ़ता गया, लोग शुरू के 3-4 महीने बहुत मुश्किल थी, लोगों को समझ में नहीं आता ये वकील को क्या हुआ है, वकालत कोर्ट में तो करता है और संडे को आके कचरा उठाता है। हमारे यहाँ के फिशरमैन लोग, यहाँ के स्लम डेवलपर्स जो आजू बाजू रहते हैं समुद्र के, इनको ताज्जुब लगता था कि ये क्यों कचरा उठा रहा है, ये क्यों आके टॉयलेट साफ करता है। जैसे हमारे समुद्र पे बहुत बड़ा प्लास्टिक के अलावा ये जो लोग ओपन डिफिकेशन करते हैं, लोग तहारत खुले में करते हैं, है ना, उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अभी उसको कैसे टैकल किया जाए, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर ने बताया खुद जाके साफ सफाई कीजिए, जब एक देखता है दूसरे को तो जुड़ते गए। तो ये बहुत अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ और लोग शुरू में हिचकिचाते थे, फिर जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही सिंपल सा काम है, एक वकील आगे आग बढ़ के कर रहा है, तो सब अपना हिस्सा लगा सकते हैं। तो ये हर आदमी जो आगे उस वक्त बढ़ा, हर आदमी ने अपना हिस्सा लगाया, क्योंकि हम लोग देश से सना जी बहुत मांगते हैं ना, हम बोलते हैं ये देश हमको ये दो वो दो, आपके न्यूज चैनल पे चलते रहता है, आप देखिए हमारी डिमांड हर आदमी की देश से होती है, कोई देश को देना नहीं चाहता। और ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, जहाँ राइट्स है वहाँ ड्यूटीज भी होती हैं, तो कुछ ड्यूटी थोड़ी थोड़ी पूरी करें। बिल्कुल, आपकी अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, तो इंसान को मुहासबा करने की जरूरत है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, जैसे अभी आपकी जिम्मेदारी ये है कि कोरोना SOPs का खास ख्याल रखें और लोगों को आप महफूज रखें, ताकि आप अगर हिफाजत में रहेंगे तो लोग भी महफूज रहेंगे, क्योंकि आप चारों तरफ अपनों से घिरे रहते हैं। तो ये जिम्मेदारी आज की आपकी अपनी है, लेकिन इसे निभाते हुए लोग स्वाति साहिबा नहीं दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि इस वक्त डेंगू का कहर है, कुछ देर पहले मैंने टास्क भी दिए कि कहां कहां पर बच्चे और लोग ज्यादा मुतासिर नजर आ रहे हैं, ऐसे में कोरोना के केसेस भले ही कम हो रहे हों, लेकिन दूसरा चैलेंज बनकर वायरल फीवर डेंगू सामने आ रहा है, लोगों को किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए ऐसे वक्त में? बिल्कुल, देखिए मैं बोलूंगी जिस तरह से एडवोकेट साहब ने एक मिसाल साबित की है, यही मिसालें हैं जो हमें कई बीमारियों से भी बचाती हैं। तो ना केवल समुंदर स्वच्छ हो रहा है, हमारा आसपास के जो लोग हैं वो भी बीमारियों से मुक्त हो रहे होंगे, क्योंकि अगर हम मौसम से जो होने वाली बीमारियां हैं उनकी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये सभी मच्छर पनपने से, गंदगी से, मक्खियों के पनपने से, इन सब की वजह से होती हैं। तो अगर हम इन सब चीजों का एक दुरुस्त प्लान बना लें और इन सब चीजों को ना पनपने दें अपने आसपास, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, और खासतौर से बच्चे बच जाते हैं, क्योंकि बच्चे देखिए उतना ज्यादा हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते हैं, वही हाथ मुंह में चले जाते हैं गंदे, खाना किसी भी हाथों से खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता है कि मच्छर हमें काट रहे हैं पैरों में या हाथों में, वो खेलने में मस्त रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा दबदार आ जाता है कि हम सफाई का खास तौर से ध्यान रखें, और जब मौसम बदलता है तब हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा और ज्यादा मुस्तैदी से ध्यान रखना है, क्योंकि उस टाइम मच्छर तेजी से पनपते हैं। तो अगर हमारे घर के अंदर या हमारे आसपास कहीं भी पानी, ठहरा हुआ पानी है, तो उसमें मच्छर और तेजी से पनपते हैं, तो हम पहली बात तो ये सुनिश्चित करें कि ऐसा कुछ ना हो, और है तो हम उसको दुरुस्त करें, उसे ठीक करें। दूसरी बात, हम जो भी बाहर निकल रहे हैं, चाहे बच्चे हैं बड़े लोग हैं, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनकर शरीर को अच्छे से ढक करके निकले, ताकि मच्छर के काटने की संभावनाएं कम हो जाए। वही हम जो है मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं घर के अंदर, बाहर सब जगह, ताकि कम से कम मच्छर रहें और हमें संभावनाएं कम हो। तीसरी चीज, पानी अच्छी मात्रा में पीना और साफ खाना खाना, ये भी बहुत बड़ी जरूरत है जो हमें कई बीमारियों से बचाती है। साथ ही डिहाइड्रेशन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो जितनी भी बीमारियां हो, चाहे डेंगू, कोरोना, कोई भी हो, उसके कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर हम डिहाइड्रेशन ना होने दें, तरल पदार्थ लेते रहे किसी भी फॉर्म में, चाहे पानी लें, जूस लें, नारियल पानी लें, दालों का पानी लें, तो ये सब चीजें हमारे बॉडी को एक फाइटिंग की शक्ति देती है, हम आसानी से उस बीमारी को पार कर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि
कि इम्यून अगर आपका स्ट्रांग होगा तो हर बीमारी से आप मजबूती के साथ लड़ सकते हैं, और खासकर आपने साफ सफाई पर अगर ध्यान रखा तो आप बीमारी नहीं पड़ते। आसपास का इलाका अगर साफ है तो यही जिम्मा उठा रखा है अफरोज शाह साहब ने। अफरोज जी, आपने कहा कुछ देर पहले कि अक्टूबर 2015 से आपकी शुरुआत हुई, सबसे पहले आप गए और आपके एक बिल्डिंग के शख्स आपके साथ गए, और उसके बाद अब मैं जानना चाहूंगी चूंकि 2021 चल रहा है, कोरोना दौर भी इस वक्त चल रहा है, 2015 से लेकर अब तक कितने वॉलंटियर्स आपके साथ आप आए हैं इस काम में? लाखों लाखों वॉलंटियर्स, गिनती करना मुश्किल है, और जो डेली बेसिस पे जो कर रहे हैं, कम से कम 1,00,000 लोग ये मुंबई में, ये जो बोलते हैं ना रिडक्शन ऑफ गार्बेज, जी डॉक्टर स्वाति ने बताया गार्बेज जनरेट होने से कितने प्रॉब्लम होते हैं, तो अपनी जिंदगी में गार्बेज को किस तरह कम किए जाए काम चालू है। 1,00,000 बच्चे काम करते हैं। अभी मैं आपके शो में आने से पहले बच्चों से 200 बच्चों से बात कर रहा था, और यही डिस्कशन हो रहा था किस तरह देश को बेहतर किया जाए साफ सफाई करके। और जो डॉक्टर स्वाति बोल रही थी डेंगू के बारे में, ये वॉलंटियर्स का सिलेक्शन आप कैसे करते हैं? आपके काम को लोग देखते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप जगह जगह जाके लोगों को बेदार करते हैं कि नहीं आप हमारे साथ जुड़िए, ये काम खैर सगाली का जज्बा, खैर सगाली के जज्बे के तहत? दोनों चीजें हैं। एक तो जब लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, जुड़ते हैं आके, दूसरा मैं खुद बच्चों के पास जाता हूँ स्कूल्स कॉलेजेस में, और ये देश प्रेम ऐसा है सना जी, सब जुड़ना चाहते हैं, बस वो ट्रिगर पॉइंट चाहिए किस तरह धक्का मिल जाए। लोग बोलते हैं हम यहाँ 30 साल से रहते थे क्यों नहीं किया। अभी डेंगू पे मैं बोलता हूँ, हम जहाँ काम करते हैं एक वर्सोवा का एक छोटा सा भाग है, 35,000 लोग है, अभी खुद ही हम फ्यूमिगेशन करते हैं, डेंगू का फैलाव बड़ा हो गया, हमारे खुद वॉलंटियर ने मशीन ला के और फ्यूमिगेशन करते हैं डेंगू उड़ाने के लिए। आप कौन सोच सकता है कि आप बीएमसी के लिए रुकिए और कोई फला गवर्नमेंट ऑफिसर आएगा फिर वो फ्यूमिंग, गवर्नमेंट की मशीनरी ऑन हो से पहले, और बिल्कुल खर्चा भी नहीं है, कुछ नहीं, बस एक लगा हुआ प्यार की बात है कि ये हमारा एरिया है, ये साफ रहना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, और खुद फ्यूमिगेशन कर देते हैं डेंगू के लिए। इसके लिए बजट की जरूरत पड़ती होगी, वो क्या आपने फ्यूमिगेशन मशीन जो है 5,000-6,000 की, देखिए जब हमने काम शुरू किया ये गांधीयन मूवमेंट था, मैं हमेशा बोलता था मेरा पैसा मेरे टाइम मेरा एफर्ट, हमारे वॉलंटियर खुद कंट्रीब्यूट करते थे, अब उसको एक फाउंडेशन की शक्ल हमने दे दी है 1 साल से, नहीं तो हम लोग हमारा ही पैसा, मैं आज भी जो ऐसे वकील जो काम करता हूँ, आप फाउंडेशन का कुछ नाम भी रखा होगा आपने, अफरोज शाह फाउंडेशन ही है सना जी, बट मैं एज ए वकील 20% मैं खुद डालता हूँ ताकि ना ये काम आगे बढ़े, लोग लोगों को अंदर से जो प्यार है देश के लिए जगना बहुत जरूरी है, और ये सब निर्भर है आपकी और हमारी मानसिकता पे, माइंडसेट जो इंग्लिश में बोलते हैं, ये मानसिकता सुधर गई ये देश सुधर जाएगा, ये टेंडर निकालना पैसे खर्च करना ये सब कॉन्सिक्वेंसेस है। अब वो जहाँ पे डेंगू का पानी होता है या कचरा होता है, अगर वहाँ के लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये जमना होने देना नहीं है, नहीं होगा, ये झोपड़पट्टियों में बहुत होता है, तो ये चीजें वो बिल्कुल वहाँ के बेदार हो जाए तो ऐसी बीमारियां फैले ही ना। स्वाति साहिबा, बिल्कुल बिल्कुल, जितनी जरूरी जागरूकता है उतना ही हमारा उस पर एक्शन लेना भी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप जागरूक तो हैं, पता तो है आपको, लेकिन आप उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, आप बैठे इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। इसलिए दोनों चीजों का एक तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जैसे अभी एडवोकेट साहब ने कहा कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, अगर सोसाइटी ये बीड़ा उठा ले, अगर लोग ये सोच लें कि अब ये मौसम आ रहा है और ये बीमारियां इस मौसम में आती ही हैं, तो हम पहले से अगर उनके लिए स्टेप्स उठा ले तो हम बहुत सारी मुसीबत से बच सकते हैं। और वहीं प्रशासन के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम ये एहतियात के कदम समय से उठाएं, ताकि महामारी का रूप कोई भी बीमारी ना ले और हमें जानों से ना जाना पड़े। बच्चों की मृत्यु होती है, लोगों की मृत्यु होती है, वो बहुत कष्टदायी है, तो उसको प्रिवेंट करने की बहुत जरूरत है। और वहीं अर्ली साइंस जो होते हैं किसी बीमारी के, वो भी लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम डेंगू की बात करें, तो अगर बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, तेज बुखार है, और इसे हम हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, यानी कि अगर जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है, हड्डियों में दर्द है, या किसी के चकत्ते पड़ रहे हैं शरीर पर, या आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द है, तो ये सब ऐसे लक्षण हैं जो आपको शुरू में पहचान लेने चाहिए और आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। कई बार हम 3-4 दिन तक घर में बैठ के इलाज खुद से करते रहते हैं, और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ज्यादा बीमार होने की चांसेस हो जाती है। इसलिए पहले ही डॉक्टर से संपर्क करें और
क्या करने की जरूरत है उनसे समझें, और खास तौर से पानी का ध्यान रखें। मैं दोबारा कहूंगी कि अच्छा हाइड्रेशन होना, अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ लेना, ये हमें बहुत सारी परेशानियों से बचा लेता है। और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप स्वाभाविक तौर से ठीक हो जाती है। बस जरूरी है कि हम निगरानी रखें, वार्निंग साइंस पर ध्यान दें, अच्छी मात्रा में पानी पिए, डाइट लें और रेस्ट करें, तो जल्दी डेंगू ठीक हो जाता है, परेशान होने की बात नहीं होती है। बिल्कुल। और अभी इस वक्त की अगर सिचुएशन की हम बात करें, जैसा कि नाज़रीन आपने देखा होगा कि अस्पतालों में लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बच्चे एक बेड पर तीन तीन बच्चों का इलाज चल रहा है, तो ऐसे हालात ना पैदा हों इससे पहले आप बेदार रहें। अफरोज शाह साहब, पेशे से आप एडवोकेट हैं, सवाल मेरा ये है कि अफरोज शाह एडवोकेट होने के नाते इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं। आपने कहा कि पहले लोग आपको ये कहते थे कि ये वकील क्या कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि वकालत के साथ साथ आपको कैसे वक्त मिलता है दोनों को बैलेंस करने में, कि आप इलाकों की सफाई की तरफ भी ध्यान देते हैं, केसेस पर भी ध्यान देते हैं, कैसे? वो बोलते हैं ना, जब प्यार हो जाता है तो सब बैलेंस हो जाता है। अगर मैं आपके पूछूं, अगर आप शादीशुदा हो या किसी से प्यार में हो, किस तरह टाइम निकालते हो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का? ये हम लोगों का देश का जो प्यार है, ये हम लोग अलग मानते हैं ये प्यार से, हमारे फैमिली के प्यार, माँ बाप को जिस तरह प्यार करते हैं, या हमारे वाइफ को प्यार करते हैं, या हस्बैंड को प्यार करते हैं। मेरे दिमाग में एक ही है कि ये प्यार एक ही है, देश के लिए प्यार करना सब में ऊँचा प्यार है। ये जो हम लोग एक इंग्लिश वर्ड है क्लैनिश बोलते हैं, हमारी फैमिली हमारे खून तक ही सीमित रहती, ये नहीं होना चाहिए। देश भी हमारा है, ये हमारे फ्रीडम फाइटर ने समझा। और ये अभी आपकी ज्यादा पहचान किससे है? अभी आपकी ज्यादा पहचान तो मेरे ख्याल में इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट से ही होगी। आप एडवोकेट को भी जिंदा रखने की कोशिश करते रहते होंगे। एक इंसान होने के नाते पहचान हो, मैं एक स्पीशी हूँ, यहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, और यहाँ पे एक व्हेल, शार्क, टर्टल, मछलियाँ भी रहती है, जानवर भी रहते हैं, वो पहचान हो तो बेहतर है। जहाँ मैं मेरे राइट्स की रिस्पेक्ट करूँ और उनके राइट्स की भी रिस्पेक्ट। क्या बात, ये पहचान बेहतर है। आदमी को आना चाहिए दो हैट पहनना, हम लोग लॉयर हमेशा बोलते हैं वेयरिंग ए ड्यूल हैट, कब प्रोफेशनल हैट उतारे और कब ह्यूमन बींग का हैट पहने, इसकी तैयारी हमेशा 24 घंटे होनी चाहिए। और जब मौका आए वो हैट बदली करें, आप कब वकील का हैट पहन लिया और कब ह्यूमन बींग का हैट पहन लिया, उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। क्या बात, बहुत जरूरी है। आपकी इन बातों से याद आता है कि एक माँ जो होती है वो किस तरह से बहन का किरदार निभाती है, वो किस तरीके से वाइफ का किरदार निभाती है, पत्नी का किरदार निभाती है, वो किस तरह से किसी की बहन का किरदार निभाती है, अलग अलग किरदार के तौर पर एक विमेन दिखाई देती है। ऐसे ही मर्दों के लिए भी कहा जाता है। स्वाति साहिबा, मैं आपके पास आऊंगी, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है पूछना चाहिए। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है जिसने कहा था कि ब्लड के हवाले से जो कोविड वैक्सीनेटेड लोग हैं वो ब्लड पहले 28 डेज में डोनेट कर सकते थे, लेकिन अब इसे कम करके 14 डेज कर दिया गया है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि जो ब्लड बैंक्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि वैक्सीन ड्राइव्स का ही असर है? भ्रम आ गया था कि अगर हमने वैक्सीन ली है तो आने वाले कई समय तक, कई महीनों तक हमें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, वरना जो एंटीबॉडीज बनी है वो शायद हम ब्लड डोनेट करेंगे तो वहां चली जाएगी और हमें वैक्सीन का फायदा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में किसी वैक्सीन की वजह से बन रही है, वो ऐसा नहीं है कि वो वन टाइम बनती है, बस एक बार बनी और हो गया, ऐसा नहीं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार हमारा ब्लड उस एंटीबॉडीज को बनाता रहता है और साथ ही फैक्ट्री में तैयारी रखता है कि अगर ये वायरस ने हम पर अटैक किया तो हम तुरंत फटाफट बहुत सारी एंटीबॉडीज की कॉपीज बना लेंगे और इससे फाइट करेंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये हमारे बोन मैरो में, हमारे टी सेल्स, बी सेल्स में स्टोर होती है और वो कहीं नहीं जा रही। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, अगर हम अपना डोनेट कर रहे हैं ब्लड, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति को में चली जाएगी और फिर हमारे को वैक्सीन से कोई इस ब्लड बैंक के शॉर्टेज को आप इस वक्त डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के तनाजुर में किस तरह से देखती हैं? क्योंकि कई बच्चों की मौत हो गई, अगर कल की ही बात मैं करूं तो अब तक सबसे ज्यादा फिरोजाबाद में 151 अमवात हो चुकी हैं, और कल की बात करूं तो 11 डेथ हुए हैं जिसमें से 9 बच्चे ही हैं फिरोजाबाद में। जी
जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम डेंगू की बात करें और भी कई सारी बीमारियां हैं जिसमें जो हम खून चढ़ाते हैं वो जीवन दायिनी होता है, वो व्यक्ति की जान बचा सकता है, उसको मृत्यु से बचा सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोग आगे आए, ब्लड डोनेट करें, किसकी जान उससे बच जाएगी ये बिल्कुल भी अभी बताया नहीं जा सकता, और इससे अच्छा नेक काम हो भी नहीं सकता है। तो जरूर लोग ये ना सोचें, हिचकिचाए नहीं कि हमने वैक्सीन लगवाई है तो अब हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। आप ये मानते हैं ना कि अभी लोग हिचकिचा रहे हैं इसीलिए ब्लड डोनेट के लिए पहुंच ही नहीं रहे, क्योंकि अभी ब्लड बैंक के शॉर्टेज की भी खबरें आ रही हैं? बिल्कुल हिचकिचा रहे हैं, और इसकी वजह यही है कि जब भी देखिए वैक्सीन से जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो फैली हैं, और जब भ्रांतियां फैलती हैं तो लोग नेगेटिव न्यूज में ज्यादा फंस जाते हैं। जो उसका क्लेरिफिकेशन आता है, जो डॉक्टर्स आपको बातें बता रहे हैं उस पर आपका ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, और इसलिए वो बात एक आप की तरह से फैल जाती है कि नहीं खून नहीं देना है, खून नहीं देना है, या इससे नपुंसक हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत घातक होता है, और सोसाइटी में इस तरह की बातों को ना हमें आगे पनपने देना चाहिए और ना ही ऐसे लोग जो बातें ये फैलाते हैं उनको फैलानी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है ये कब कड़ी लौट करके आप तक ही पहुंचेगी। इसलिए सही है, बहुत जरूरी है कि हम सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं, और पता नहीं कोशिश करता है कि तमाम डॉक्टर साहिबान से उनका मशवरा ले और तक पहुंचाएं। आप भी हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना बस इतना होता है कि हमें कॉल करें और जुड़ने की कोशिश करें। डॉक्टर स्वाति साहिब हमारे साथ बने रहें, एडवोकेट अफरोज शाह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अफरोज शाह साहब, मेरा सवाल ये था कि आप कैसे बैलेंस करते हैं। अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि समंदर, तालाब, इलाकों की सफाई के लिए क्या आपने कोई पर्टिकुलर दिन को मखसूस कर रखा है, या फिर पूरे दिन में आप कुछ वक्त निकालते हैं कि आपको उधर भी देखना है और दूसरा अपने पेशे की तरफ भी ध्यान देना है? ये क्वेश्चन दो पार्ट में आंसर करूंगा। पैंडेमिक से पहले कुछ और करते थे, क्योंकि उस वक्त ऐसे था खुलेआम मिल सकते थे लोगों से। अभी पैंडेमिक की वजह से आप और हमारे पे बहुत रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, पैंडेमिक के वक्त आपको ज्यादा साफ सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी? जब लॉकडाउन था तो सब तो घर में ही बंद थे, कोई गंदा करने वाला, गंदगी करने वाला कोई बाहर ही नहीं था। मैं आपको मीठी नदी के बारे में बता दूं, जहां मैं एग्जांपल, मीठी नदी जो है उसमें लिक्विड सीवेज जो अपने गटर नाले जाते हैं वो बिल्कुल बंद हो गए थे, क्योंकि कई लोग जो है बॉम्बे छोड़ के भी चले गए थे। बॉम्बे का पॉपुलेशन जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन ही कम हो गया था, तो रिवर काफी साफ दिखने लग गई थी। बट जो गार्बेज ऑलरेडी हम लोगों ने इतने सालों से थ्रो किया है वो तो समुद्र में, नदियों में, नालों में, पहाड़ों में, जंगलों में वो है, तो उसको उठाते उठाते कई टाइम लगेंगे। फिर जो लोग हैं ऑलरेडी जो जनरेट करने जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग करना, उनको समझाना, एक वर्ड है सर्कुलर इकोनॉमी जो यू नो दुनिया में नेक्स्ट 40-50 साल तक चलेगा, किस तरह यूज एंड थ्रो कल्चर से हट जाना, लेना और फेंकना, लेना और फेंकना। तो ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहेगा। तो पैंडेमिक से पहले हम बहुत जोरों में करते थे, अब पैंडेमिक में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि मैं लोगों को जमा नहीं कर सकता। हमारे बीच क्लीनअप पे 5-5, 6-6 हज़ार लोग जमा होते थे एक टाइम पर, वो कर नहीं सकता। तो छोटे ग्रुप में हम काम करते हैं बिल्कुल, और विदाउट इनविटेशन। कोई भी टाइप का कानूनी उल्लंघन नहीं होना चाहिए हमारे साफ सफाई के काम से। हम साफ सफाई कर्मचारी की तरह बिहेव करते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं, और ग्रुप्स में काम करके रिटर्न हो जाते हैं। बस अभी दुआ यही करते हैं ऊपर वाले से कि जब ये पैंडेमिक चला जाएगा सना जी, और दुनिया फिर से खुलेगी और फिर आएंगे, तो इसको और बड़े स्केल पे ले जाएंगे। ये डेढ़ साल जो है हमारे काम को भी बहुत स्लो डाउन करना पड़ा है, यानी हर शोभा मुतासिर हुआ, आपका काम भी मुतासिर हुआ। तो आप ये चाहते हैं कि पहले जैसे हालात हों और दिल से, मन से, लगन से काम वैसे ही शिद्दत के साथ शुरू करें जैसे पहले आप करते थे। मैं पूछना चाहूंगी अफरोज साहब, क्या आप नदी, नालों, गार्बेज के अलावा, क्या जैसे सड़कों के किनारे ढेर कूड़े के पड़े हुए रहते हैं, तो क्या आपकी टीम इन तमाम इलाके की साफ सफाई पर भी ध्यान देती है? देखिए, दो चीजें हैं, लोगों को एक्चुअली गार्बेज को समझना चाहिए, गार्बेज है क्या और ये समुद्र में पहुंचता कैसे नदी में। ये जब आप एक चॉकलेट आपने खाया और रैपर फेंक दिया रोड पे, जैसे मुंबई के रोड है, मुंबई सिटी एग्जांपल लीजिए, तो वो यहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है ब्रिटिश के जमाने के बनाए हुए, यानी जब बारिश होती है तो समुद्र में ये पानी चला जाए, बहके सिटी में जमा नहीं रहे। तो ये कचरा फेंका हुआ वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन में एंटर होता है और समुद्र में जाता है। तो ये तो हो गए जो रोड पे कचरा फेंकते हैं लोग, तो वो अगर आप नहीं साफ करोगे जाएगा। दूसरा, जो कूड़ा जमा होता है, बीएमसी हमारी जो है वो बहुत काम करती है। देखिए, ये प्रॉब्लम अगर एक बीएमसी का होता और टेंडर का होता तो मैं सना जी आप और मैं यहाँ बात ही नहीं करते। मोदी जी बोलते सब जगह टेंडर निकाल दो और सॉल्व कर दो। ये वेस्ट, कूड़े कचरे का प्रॉब्लम मैं हमेशा बोलता हूँ ये सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, मतलब कहीं इसके पैसे की भी जरूरत होगी और कहीं मानसिकता है।
आप कहीं पे आप देखिए कचरा फेंकना शुरू कीजिए, लोग सब आके वहीं फेंकना शुरू कर देते। बिल्कुल, आप मॉल में जाइए, आप मॉल क्लीन रहते, कोई क्यों नहीं फेंकता है ये। हाँ। तो ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन भी सोशियो इकोनॉमिक है। बिल्कुल, ज़ाती तौर पर आप इन तमाम कॉजेज में अपना टेक किस हद तक दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अफरोज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वाति साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया चलती रहेगी जिंदगी में वक्त देने के लिए। आप ऐसे ही काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। न्यूज 18 उर्दू अफरोज शाह साहब आपकी जज्बे को सलाम करता है। आदाब, फिर मुलाकात होगी, चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।